होल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स क्योंकि होल नंबर का जो सेट होता है वो आप बताएंगे आप कि होल नंबर का जो सेट होता है उसमें होते हैं जीरो से लेकर के वन टू थ्री फोर डाटा डाटा तक ठीक है और जो नेचुरल नंबर में होते हैं उन सभी में एंट्री जब होते हैं वन से लेकर के वन टू थ्री फोर सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में लाइक कर रहे हैं क्योंकि जीरो भी एक्स्ट्रा इसमें होल नंबर में है तो यही आप रीज़न दे देंगे दूसरा क्या होगा एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर तो ये गलत हो जाएगा फाल्स तो प, अच्छा पहला वाला क्या था ट्रू था तो हम यहाँ पर साइन uh, भी लगा देंगे यहाँ पर साइन लगा देते हैं ट्रू का दिस इज ट्रू और ये होगा फाल्स मीन्स इसको कर देते हैं रेड से ये हो गया फाल्स अच्छा ये फॉल्स है तो क्यों फाल्स है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर तो जीरो इज़ नॉट अ होल नंबर जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर ठीक है यहाँ पर रीजन हो जाएगा कि जीरो नॉट अचुरल नंबर नेचुरल नंबर तो यह बता रहा है कि एवरी होल नंबर इज नॉट अचुरल नंबर इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एवरी इंटीजियर इज ए होल नंबर एवरी इंटीजियर इज ए होल नंबर ये बिल्कुल ही रॉन्ग है मतलब कि फॉल्स है ऐसा क्यों है फॉल्स इसलिए है क्योंकि एवरी इंटीजियर बोल रहा है कि होल नंबर होगा तो क्या हमारा एवरी इंटीजियर मतलब क्या माइनस टू इज़ एन इंटीजर माइनस टू तो इंटीजर है लेकिन होल नंबर तो नहीं है ना माइनस टू माइनस टू इज नाट होल नंबर ये आपका रीजन हो जाएगा या फिर आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कह सकते हैं कि ऑल निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स देयर फॉर हम कह सकते हैं कि हो एवरी इंटीजर इज़ नॉट ए होल नंबर इसलिए ये बोला है कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर ये गलत है सारे इंटीजर्स होल नंबर थोड़े होते हैं केवल जीरो से लेकर के वन टू थ्री फोर फाइव से ये मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं और जो जीरो होता है उनको उनको ही बोलते हैं बस होल नंबर्स ना कि निगेटिव वाले होते हैं तो इसीलिए ये रंग हो जाएगा फास्ट हो जाएगा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर तो एवरी इंटीजर जो है रेशनल नंबर होता है तो यह करेक्ट है क्योंकि किसी भी इंटीजर को हम रेशनल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले ये हो जाएगा ट्रू दिस इज ट्रू और यहाँ पर रीजन क्या देंगे रीजन ये देंगे कि जैसे कि एनी नंबर एनी इंटीजर कैन बी रिटर्न एज कैन बी रिटर्न एज पी अपान क्यू मतलब कि रेस्टोरेंट नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पे टू को लिख सकते हैं टू अपॉन वन तो ये इंटीजर है इस इंटीजर को हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया तो ठीक वही बात हो गई ठीक है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर तो सारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इंटीजर होते हैं बिल्कुल गलत है ये क्योंकि सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ये हो जाएगा फॉल्स क्यों फॉल्स होगा बिकॉज एक केवल आप एक जो है कंडिडीशन दे देंगे यहाँ पर तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है मतलब फॉल्स का रीजन बताना है तो केवल एक ही रीजन बताइए और वो दे दीजिए कोई एग्जाम्पल जैसे कि दे दीजिए कि सेंस टू बाई थ्री इज अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट नॉट नॉट एन इंटीजर ठीक है तो कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे तो तुरंत आपका जो क्लियर हो जाएगा रीजन टू थ्री जो है क्या है एक रेशनल नंबर है बट नॉट एन इंटीजर ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इसके डिनोमेटर में क्या है थ्री है ओके इसलिए यहां पर फॉल्स जाएगा ये अब कह रहा है कि एवरी रेस्टोरेंट नंबर इज ए होल नंबर क्या सारे नंबर्स होल नंबर होते हैं तो नंबर्स सारे होल नंबर कैसे हो जाएंगे ये बिल्कुल रॉन्ग है दिस इज आल्सो फॉल्स और रीजन ये होगा कि सिंस कोई भी एक रेसनल नंबर आप दे दीजिए जो कि होल नंबर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि माइनस वन अपॉइ टू इज अ रेसनल नंबर रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर तो ये कहना कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर ये गलत है इसलिए फास्ट हो जाएगा तो ऐसे करके मतलब रीजन्स आप देते रहेंगे तो आप समझ में आ गया होगा कैसे करना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय